हाय ब्रो, हाउ आर यू। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको SAP के कुछ बेसिक्स मॉड्यूल्स के बारे में आपको बताऊंगा। आप सब देख सकते हो मेरे सामने SAP का सर्वर है एंड यहाँ पे मैं कुछ बेसिक्स टर्म्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज जस्ट एक इंट्रो वीडियो है SAP का। इस वीडियो के बाद मैं आपके साथ एक्चुअली इस सीरीज बनाने के मेरा ऑब्जेक्टिव बस इतना ही है कि आप कभी भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर आप कहीं आप काम करने जा रहे हो जहाँ पे SAP पे काम हो रहा होगा, तो आप इनिशियल स्टेज में होंगे। आपको SAP सर्वर के बारे में आप पहले से आप कुछ नहीं जानते होंगे, तो आप वहाँ आप वर्क नहीं कर सकते हो SAP पे। तो जस्ट मैं एक बेसिक आइडियाज आपको दे दूंगा SAP के बारे में एंड आपको जनरली पोस्टिंग करना और लेजर्स के बैलेंसेस चेक करना वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो मेरे 5 to 6 वीडियोज बनेंगे, बहुत बेसिक बेसिक से छोटे छोटे वीडियोज, जिसमें ये सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा वन बाय वन कि आप ये इतना कुछ आप SAP पे आप कैसे कर सकते हो। तो आज मैं आपको जस्ट एक छोटा सा इंट्रो देता हूँ। ये हमारे पास SAP का मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो SD का मॉड्यूल है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, मटेरियल मैनेजमेंट है, PP प्रोडक्शन प्लानिंग, QM क्वालिटी मैनेजमेंट, इसी तरीके से करके बहुत सारे मॉड्यूल हैं। PM, HR, FI, CO, AM, PS, WF, वर्क फ्लो होता है WF का। ओके, तो ये सारे SAP के मॉड्यूल्स हैं। इसी के रिसिप्रोकल ओरेकल में भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं एंड उसके रिसिप्रोकल पीपल सॉफ्ट है, JD एडवर्ड्स है। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स के नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे क्या है, सब ERP पैकेज है। बट SAP एक ऐसा ERP पैकेज है जो मार्केट का 60% से ज़्यादा शेयर एक्वायर कर रखा है, उसने शेयर होल्ड कर रखा है मार्केट में। बिकॉज मैक्सिमम जो बड़ी कंपनी जो है SAP को ज़्यादा फॉलो करती है, बिकॉज SAP में वो सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को चाहिए होता है। बाकी समय आप देख सकते हो कुछ ना कुछ मिसिंग है, बट SAP के अंदर कुछ भी मिसिंग नहीं है, वो सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है जो किसी एक इंडस्ट्री या किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आपके साथ FI मॉड्यूल डील करने वाला हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कंट्रोलिंग अभी मैं नहीं करूँगा, अभी मैं आपको सिर्फ FI के बेसिक सारे बताऊँगा वन बाय वन। तो ये एक वीडियो सीक्वेंस चलेगा जिसमें 5 to 10 वीडियोज का सीरीज होगा, जिसमें आप FI, जर्नल एंट्री पोस्टिंग तक और लेजर के बैलेंसेस चेक करने तक वो सब कुछ आप सीख लोगे। जिसमें मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा मैं आपको बता दूँ। ये मेरे पास, ये मैंने एक्सेल शीट ड्राफ्ट की है, जिसमें आपको पहला हमारा जो मॉड्यूल होगा जो कल के वीडियो में होगा, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें हम कंपनी को डिफाइन करेंगे, कोड डिजाइन करेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर हम ग्लोबल सेटिंग के बारे में देखेंगे, जहाँ पे आप सीखोगे काफ़ी कुछ, बहुत मतलब अच्छे मॉड्यूल है और काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा। एंड देन आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट, ये 3 मॉड्यूल हो गए हमारे, होल्डिंग कंपनी, रिकरिंग डॉक्यूमेंट्स। जब आप बार बार सेम टाइप के डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो फिर हम एक उसका टेम्पलेट कैसे तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट पार्क कैसे करते हैं, हम अकाउंट के बैलेंसेस कैसे चेक करते हैं, ये सब कुछ। तो मैं आपको यहाँ तक सिखाऊंगा डिस्प्ले डॉक्यूमेंट तक का। बैंकिंग स्ट्रक्चर हम नहीं सीखेंगे, बिकॉज बैंकिंग स्ट्रक्चर आपको बेसिक लेवल पे जानने की जरूरत नहीं है। बेसिक लेवल पे आप ये 3 मॉड्यूल अगर आप जान जाओगे तो आप कहीं भी आप बोल सकते हो कि आपको SAP के बेसिक्स आते हैं। फिर 3 मॉड्यूल में वन बाई वन 3 to 4 वीडियो सीरीज में मैं कवर कर दूंगा। तो होप सो आपको मेरी सारी सीरीज अच्छी लगेगी। ये मेरी फर्स्ट इंट्रो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको SAP के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया आपके साथ। थैंक्स, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।